बाकी मोहित भैया की बैठने की स्टाइल देखिए, एकदम दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ पेट्रोल पंप। बोले बहुत खराब रोड है भाई, बहुत खराब रोड है ये पूरा। ये देखो ये कितनी गहरी खाई है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर। तो मोहित भैया तो हमसे पहले उठ गया आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नज़ारों के मजे ले रहे हैं नदी किनारे। देखिए गाइस टेंट खोलते ही लोकेशन हमारी ये देखिए, वो वहाँ पर एक टेंट लग रखे हैं आगे, ये पड़ोस में योगेश भैया वाला टेंट है और पीछे का नज़ारा देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। काजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर ही है और इस लोकेशन का मेन ऐसा कुछ नाम मुझे पता नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं रिवर, रात को आपको शाम को मैंने बताई दी थी। और ये देखिए ये हमारी गाड़ी, पीछे मेन रोड, पहाड़ और ये पूरी लोकेशन। एक बार 360 व्यू दे देता हूँ आपको। पीछे मोहित भाई उठ गए हैं, आराम से नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। उठ तो सभी गए पर वो होता ना एक बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। सर्दी तो नाकों से कम है लेकिन तेज़ है। तो प्लान कुछ ऐसा है, अभी सबसे बात करते हैं कुछ खाना पीना है या नहीं खाना पीना। सीधा रेडी होके आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास केवल 2 दिन बचे। 2 दिन के अंदर हमारे को बाकी की स्पीति वैली पूरी करनी है कैसे भी करके, क्योंकि सबके क्या है जॉब्स वगैरह है, काम है। तो आप समझ सकते हैं हमें आज 5वां दिन है निकले हुए घर से। तो यहाँ से हम आज कॉमिक, हिक्किम और लांगजा वाला पैच पूरा करना ही करना है। अभी जाते हैं काजा, वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है। वहाँ से डीजल भराने अपने आप में बढ़िया बात है यार, दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में हम क्या करने वाले हैं। गाइस व्यू देखिए यहाँ से, ये स्पीति रिवर बह रही है और सामने बर्फ़ के पहाड़, हमारे जस्ट पीछे मेन रोड है और ये देखिए मतलब क्या शानदार शेप है पहाड़ का। देखिए पूरा बहुत ऊंचा पहाड़ है। बाकी मोहित भैया की बैठने की स्टाइल देखिए, एकदम चद्दर अद्दर ओढ़ के, इनको आधा घंटा हो चुका है हमें पता ही नहीं है बाहर, आराम से नदी को निहार रहे हैं। क्या बढ़िया लग रहा है बैठना, बहुत बढ़िया लग रहा है, सारी थकान दूर हो जाती है ना। ये देखिए बस इसी चीज के लिए आए हैं, सही बोला। इसी के साथ ये हमारे भीम जी भी गुड मॉर्निंग करने आ गए बाहर। जय श्री कृष्णा। तो गाइस आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये लोग अपनी ड्यूटी पर निकल चुके हैं, नदी पास में ही है और गाड़ी को अपन कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट, बहुत जरूरी होता है। थोड़ी सी अलग सी आवाज़ आती है यहाँ पर, ठंड बहुत तेज़ है ना रात भर में और रात को तो पता नहीं कितना टेम्परेचर गया होगा। ऑल सेट गाइस, पूरी गाड़ी पैक है, रेडी है, आपका भाई न्यू कैप लगा के आ चुका है। तो गाइस प्लान कुछ ऐसा है, आज यहाँ से जाएंगे सीधे काजा, काजा से सबसे ऊंचा जो दुनिया का पेट्रोल पंप है वहाँ से अपनी लाडो में टंकी फुल कराएंगे, वहाँ से जाएंगे हम लांगजा, लांगजा से हिक्किम, हिक्किम से कॉमिक विलेज, फिर एक राउंड ट्रिप होगी, वापस काजा आना पड़ेगा, काजा से वापस आगे क्री मोनेस्ट्री, क्री मोनेस्ट्री से चीचम ब्रिज। देखते हैं क्या टाइमिंग चलती है क्योंकि पहाड़ों में कुछ भी नहीं कह सकते, जैसा कि आपको पता है। आज का हमारा स्टे रहने वाला है चंद्रताल लेक, अभी तक तो बीच में मूड चेंज हो गया तो आपको पता ही है। बोलो श्री मनसा मैया की जय। तो देखिए गाइस जगह को छोड़ रहे हैं हम यहाँ से और अब निकल रहे हैं हम दुनिया के सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप काजा के लिए। वहां से अपनी गाड़ी में डीजल फुल कराएंगे और ऊपर निकलते हैं लांगजा के लिए। तो गाइस देखिए पूरा एकदम से मैदान सा आया और खुली खुली धूप बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हम काफी डीप में थे उधर की तरफ नदी की साइड में, उधर तो एक तरह से एक खाई हो गई है, बहुत ऊंचाई पर आ गए हम। ये सामने एक और स्तूपा टाइप ही है। काजा यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर बता रहा है।
इस जगह का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन काफी सुंदर गेट है यहाँ पे। गेट बहुत सुंदर सुंदर है, एंट्री गेट। और ये इन्हीं की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जगह का नाम नहीं पता गाइस। सामने जो दिख रहा है हो सकता है वो काजा है या क्या है, बताते हैं आपको। दोस्तों वेलकम टू काजा, बहुत ही अच्छा व्यू है। जैसा कि हमने सुना था काफी कॉमर्शियल है और काफी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पर। गाइज ये दो रास्ते कट रहे हैं काजा पहुंचने पर। शिमला की तरफ से अगर आप आते हो तो ये ऊपर मनाली 201 किलोमीटर, लोसर है 57 किलोमीटर, मतलब चंद्रताल लेक भी इधर की साइड आएगी। और पेट्रोल पंप भी इसी रोड पर है, मतलब इसी रोड पर चलना है अपने को। देखिए मनाली लोसर रोड पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप है ये। यहाँ से डीजल भराना भी अपने आप में एक अच्छी चीज है। नजारों के मजे लीजिए। और ये सामने देखिए यहाँ पर कुछ मंदिर या मोनेस्ट्री, मंदिर तो नहीं है इधर, मोनेस्ट्रीज ही है ये सामने देखिए। हाँ जी, तो देख लीजिए दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ पेट्रोल पंप भाई। यहाँ पे डीजल भरवाना, देखो हमने तो सोचा था सुबह 7:30 बजे भीड़ नहीं मिलेगी, और यहाँ पर तो भैया लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। चलिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर। जुले ये मोनेस्ट्री कौन सी, काजा मोनेस्ट्री पीछे? कितने साल पुरानी है जी? 40-50 साल। यार कितना भी जल्दी भगा लो पहाड़ों में यार, यहाँ पे जल्दी आने का कोई फायदा नहीं मिला। पूरी गाड़ियां वेटिंग में खड़ी और यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। सारे टाइम की बैंड बज गई, हमारा जो टारगेट था आधा घंटा में हो चुका है यहाँ पे खड़े खड़े। और करीब टाइम हो रहा है 8 बज गई। हाँ 8 बजे। 8 बज गई मतलब क्या है यार, ये पेट्रोल पंप जैसी जगह तो कम से कम जल्दी खुलनी चाहिए। उनको पता है टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं। देखिए गाइस ये पूरी वेटिंग लग रखी है यहाँ पर, लाइट नहीं है, स्टाफ नहीं है। चलो कोई नहीं, तब तक आसपास एक्सप्लोर करते हैं आपको। ये काजा सिटी है, मतलब इसके पीछे की तरफ है मेन सिटी। ये शांति स्तूपा बन रखा है यहाँ पे, और आगे है लाइन से स्तूपा है शांति स्तूपा, आई लव स्पीति। देखिए जी लाइन से कितने सुंदर स्तूपा बन रखे हैं ये देखिए। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल आई लव स्पीति लिख रखा है, यहाँ पर अपन एक फोटो क्लिक करवाएंगे। और ये जस्ट सामने उधर दिख रही है आपको काजा मोनेस्ट्री है, ये देखिए। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत है, लेकिन ये मोनेस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं बताते। मैंने यहाँ पर अभी किसी से पूछा था, ये देखिए मेन गेट बहुत ही खूबसूरत है। चल के आपको थोड़ा बहुत बताते हैं अंदर से। ये वाली मोनेस्ट्री काफ़ी मॉडर्न टाइप की है, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा ये 40-50 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं काफ़ी दिख जाएंगे, इतने मुझे अभी तक किसी मोनेस्ट्री में नहीं दिखे। या तो कोई इनका अनुष्ठान चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है। ऊपर से देखिए एक बार, अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी करना। तो अब देख कर आते हैं, 15 मिनट और हो चुके हैं हमें, टोटल 1.5 घंटा हो चुका है पेट्रोल पंप के लिए, पर अभी तक लाइट नहीं आई है वापस। अब चेक करते हैं, एक फ़ोटो तो बनती है यहाँ पर पेट्रोल पंप पर। भाई देखो गाड़ियों की कहाँ तक लाइन लग चुकी है, देखो वो घड़ी अपनी गाड़ी। और ये हैरियर वाले भाई है, 5-6 भाई लोग हैं। इनसे मैंने पूछा कि भाई कैसा रास्ता है, बोले भाई रोना आ गया, दोबारा कभी नहीं जाएंगे मनाली वाले रास्ते पे, जो चंद्रताल से मनाली वाला रास्ता है ना, बोले बहुत ख़राब रोड है भाई, बहुत ख़राब रोड है। देखिए जी इस कंडीशन को भी हमने किस परिस्थितियों में बदल दिया है। यहाँ पर गाड़ी के बोनट पर हमारा ये टोस्ट, ब्रेड टोस्ट पड़ा है और एक लेमन टी, भाई लोगों ने उधर ही कर ली। मैं बोला यार पीछे से रास्ता खुल गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहीं पर ले आओ मेरा नाश्ता। दोस्तों 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हमें डीजल मिला है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं पेट्रोल पंप के जस्ट 1.5 किलोमीटर आगे से रास्ता कटता है लांगजा के लिए। तो सबसे पहले लांगजा चलते हैं, अब ज्यादा स्टॉपेज नहीं देंगे, जो हमारा टारगेट था हम उससे पीछे हो गए, तो लांगजा विलेज चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। गाइस देखो सामने पहाड़ी पे हमने 16x जूम ले रखा है, कितना बड़ा फ्लैग बना रखा है आर्मी ने, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों लांगजा रोड पर आपको ये एक डिवाइडर देखने को मिलेगा, अभी तो रास्ता बंद कर रखा है। ये सीधा लांगजा विलेज जाता है और राइट में कौमिक विलेज जाता है। आप एक राउंड ट्रिप कर सकते हैं तीनों विलेज की, अभी फिलहाल हमें राइट में जाना है। अब पूरे दिन स्टार्ट हो गए हमारे ऑफ रोड के, देखते हैं कहाँ तक ये ऑफ रोड, अभी तक तो बहुत बढ़िया रोड था, अब देखते हैं। देखिए जी नीचे काजा सिटी कितनी छोटी सी लग रही है, और स्पीति रिवर का साइज देखिए आप, अभी तो छोटी सी धारा है लेकिन देखिए जब अपने पूरे रूप पर आती होती तो कितनी बड़ी रिवर है देखिए। गाइज रास्ता तो एक नंबर खराब है, लेकिन व्यू देखिए आप, ऐसा लग ही नहीं रहा अपन इंडिया में घूम रहे, ऐसा लग रहा कोई मिस्र इजिप्ट साइड आ गए। देखिए पूरा ड्राई ड्राई ड्राई, एकदम ड्राई, ये देखिए आप पूरा व्यू देखिए। और बिल्कुल एक्सट्रीम रोड है, जरा सा ये देखो टायर कहाँ चल रहा है, देखो ये पूरा, ये देखो ये कितनी गहरी खाई है। दोस्तों सामने देखिए लांगजा के रास्ते में, ये ऊपर पहाड़ी को काट के कैसे बनाया क्या बनाया, बिल्कुल पहाड़ी की तरह लग रहा है, बंकर है या क्या है हमें नहीं पता। हाँ जी, तो लांगजा से पहले हम पहुंच गए हिक्किम विलेज, क्योंकि लांगजा वाला रास्ता आपने देखा था बंद था। वो सामने देखिए एक पोस्ट ऑफिस का वो बना रखा है पोस्ट बॉक्स, और नीचे की तरफ भी पोस्ट ऑफिस है हमने देखा। यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या लग रही है, यहाँ की मुश्किल से 10-5 घर दिख रहे हैं देखिए है।
यहाँ पे बहुत छोटे छोटे विलेज है यार, देखिए मतलब 20-30 घरों का भी एक पूरा गांव बना देते हैं। तो गाइज अभी हम खड़े हैं, पीछे देख सकते हैं आप, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर, ये देखिए। ये मेरे हिसाब से अभी नया बना है, क्योंकि जो मैंने ऑनलाइन और नेट पे देखा है वो एक पुरानी सी बिल्डिंग टाइप था, मतलब कमरे टाइप था। वो भी आगे बताते हैं आपको कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे रस्तों का पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अगर चिट्ठी भेज सकते हैं अपने घर पे तो बिल्कुल भेजते हैं। ये घर कब आओगे? अरे चिट्ठी लिख दो भाई भाई, एक एक चिट्ठी लिख रहे हो क्या? ये देखिए अजमेर पोस्ट करते, देखते पहुंचती नहीं पहुंचती है। व्यू तो खतरनाक है, ये देखिए, खतरनाक नहीं मतलब खूबसूरत, सॉरी। ये देखिए मुश्किल से अगर आप गिनोगे ना 15-20 घर से ज्यादा नहीं दिखेंगे, और पूरा ये विलेज है हिक्किम विलेज। मेरे हिसाब से यहाँ की जनसंख्या ही होगी 150 जने या 150 जने। झूले यहाँ की जनसंख्या कितनी है बॉस? 150। बस 150? छोटे छोटे से विलेज है यहाँ पे हिक्किम में ना। अच्छा मेरे को ये बताओ, वो पुराना वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ मिलेगा? आगे खुला मिलेगा वो भी? बंद है अजी, वो था ना एंटीक चीज। तो आप देख सकते हैं विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित हिक्किम डाकघर में आपका स्वागत है। वेलकम टू हिक्किम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और ये सामने नया बना दिया इन्होंने, पुरानी ब्रांच बंद कर दी है। खड़ी हमारी लाडो, और यहाँ खड़े हमारे भीम जी और सारे भाई लोग, सब अपने अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो अब टाइम है यहाँ से अपने घर पे भेज सकते हैं ना। अरे यार यहाँ पर तो बाईपास लगा रखा है पूरा, सीढ़ी में अभी पैर नीचे जाता। हाँ जी हाँ जी, घर पहुँच जाती चिट्ठी? एड्रेस साफ लिखेंगे जी। कितने दिन में पहुंच जाएगी? 10-12 दिन में। चलो पहुंच जाएगी, वो भी बहुत बड़ी बात है इस जगह से। कितने का है पोस्ट कार्ड? 20 रुपए का ना, तो 5 दे दीजिए। 5 लेना ना, 5 अलग अलग दे दीजिए। और उस पर स्टाम्प कितने का लगेगा? 6 रुपए का स्टाम्प अलग है, ठीक है जी। देखो कितने सुंदर सुंदर पोस्ट कार्ड है यहाँ पे भाई साहब, एक एमआईएस करानी लोकल कच्चर पे। अच्छा एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, ये जो हमारे मोहित जी है ना, ये पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आपके स्टाफ के आदमी मिल गए जी, देख लो, मिल लो राजस्थानी से। ये भी पोस्ट ऑफिस में ही है, वहां पर हेड ब्रांच में। ये देखिए एक ये मिले बुद्धा वाला, ये हो गया। सारे अच्छे हैं यार वैसे तो, क्या छोड़े। एक की मोनेस्ट्री वाला ले लो योगेश जी, आप की मोनेस्ट्री वाला ले लो, ठीक है। लो मोहित जी आप भी उठाओ फटाफट, एक दूसरा चटाओ। तो यहाँ पे अपने घर के लिए चिट्ठी लिखना स्टार्ट हो गए सब। ये देखिए अब पहुंचती नहीं पहुंचती, वो पता नहीं पहुंचती क्या सर? 100% पहुंचेगी। 100%, चलिए ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। भारत की पोस्ट ऑफिस है, भारत की पोस्ट ऑफिस। हाँ जब इतने एक्सट्रीम रोड पे पोस्ट ऑफिस हो सकती है तो अपना इंडिया महान। एड्रेस तो लिख दिया, अब आ गया अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज लिखते हैं और एक देश के लिए मैसेज लिखते हैं। गाइस देखिए एड्रेस को छोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। आई लव माय फैमिली, आई लव माय कंट्री, फील प्राउड टू बी एन इंडियन, जय हिंद। तो गाइस काफी अच्छा एक्सपीरियंस था अपने आप में, एक अद्भुत जिसको बोलते हैं ना। इतनी हाइट पर विश्व के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पर से हमने हमारे घर पर चिट्ठी भेजी है, देखते हैं पहुंच गए तो आपको अपडेट करूंगा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं हिक्किम, और सॉरी हिक्किम में तो है हम, यहाँ से हम जा रहे हैं कॉमिक विलेज। अभी जहाँ पे आपको दिखाया था वो ब्रांच ऑफिस है, वो नया बना है ना अभी उधर जो था। और ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, नीचे जाके अभी पूरा नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी नीचे है और टाइम की है कमी। ये देखिए ये पूरा हिक्किम गांव है, वहाँ पे जो भैया मिले थे उन्हीं का घर था वो बिल्कुल लास्ट में, जो आपको झंडा दिख रहा ना एक बिल्कुल लास्ट में, वही मेन पोस्ट ऑफिस था, लेकिन वो अब घर है और पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है वहाँ पे। ये देखिए तो चलिए आगे चलते हैं कॉमिक विलेज की तरफ।